एनआयए म्हणजेच राष्ट्रीय तपास संस्थाकडून महाराष्ट्रात एकूण 44 ठिकाणी सर्च ऑपरेशन झालं. ठाणे, पुणे, कर्नाटक यासारख्या ठिकाणी सर्च ऑपरेशन सुरू होतं. भिवंडीच्या पडगा गावात एनआयएने मोठी कारवाई देखील केली. त्यातील काही लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं. ठाण्यातील राबोडी परिसरात देखील धाड टाकण्यात आली. राबोडी परिसरातील चांदिवला या इमारतीतील पहिल्या मजल्यावर राहत असणाऱ्या बापे कुटुंबावर ही धाड पडली. कुटुंबातील सर्वांचे पहाटे 4 ते 8 दरम्यान चौकशी करण्यात आली. बापे कुटुंबातील एका सदस्याने दिलेल्या माहितीनुसार सर्वांचे मोबाईल तपासले गेले, काही कागदपत्र तपासले गेले, येथे काही मिळाले नसून 4 ते 8 वाजेपर्यंत चौकशी करण्यात आली आहे असं कुटुंबातील सदस्याने सांगितलं. अंजुम बापे हे आर्किटेक्ट असून त्यांची कागदपत्र पुन्हा तपासली गेली. त्यांचा मोबाईल फोन जप्त करून चौकशीसाठी घेऊन गेले आहेत आणि त्यांना नोटीस देखील दिलेली आहे. नक्की बापे कुटुंबातील सदस्य काय म्हणाले पहा. प्रूफ मिला नाही कुछ बापित गए. क्या कारण, किस कारण से आए थे वो लोग? बोले नहीं कुछ, आए बैठे और गए. कितने लोग थे बोल रहा जब घर में वो लोग आए तो कितने लोग थे? लोग अपने 4-5 थे, ऊपर नीचे लोकल 15-20 रहेंगे. अच्छा, आपको नोटिस भेजाई है, नोटिस में क्या लिखा हुआ है? मेरे को थोड़ी आई, मेरे को ना क्या लिखा है और भेजाएगा आपको. मेरे को थोड़ी आई, आपके नोटिस देके गए हैं क्या? आपके घर में सुबह नोटिस दिया है, कुछ में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्या? था सुबह में गया कॉलेज, बोल ले लो मैं कॉलेज से आया मैं और गए थे तब तक. अच्छा, क्या करते हैं आप? क्या करते हो? उनको लेके गए क्या, जिनको नोटिस दिया? किसको दिया? क्या नाम उनका? अंजुम बाप. अंजुम, वो कहाँ पे अभी? अभी है ना, बाहर गए हो. लेकिन कुछ नोटिस के बारे में कुछ बुलाया गया कि कहाँ? मेरे को नहीं मालूम. क्या बातचीत की आपसे जब वो घर के अंदर आए? तो मेरे से कुछ नहीं किए ना. अच्छा, नहीं नहीं, सुबह 4 बजे आए थे. भी आपको घर के अंदर क्या बोल के आए थे और क्या उन्होंने कुछ घर के अंदर कुछ सर्च किया कि क्या किया? सर्च किए, कुछ मिला नहीं उन लोग को और अभी हुआ बस. किस कारण वो आए? कितना मिनट लेंगे बोलो ना. किस कारण आए थे वो? आए थे, कुछ मिला ना लोगों, सर्च बोले ने कुछ, आए और गए. घर में आके कुछ सर्च वगैरह किए या सिर्फ नोटिस दे के चले गए? कितने वक्त थे वो लोग? उन लोग बोला ना 4-5 थे, नीचे ज्यादा थे. कितने देर बैठे थे? नीचे 8 बजे गए. 8 बजे थे? अच्छा, सुबह 8 बजे गए? 7:30-8 बजे गए थे. सामने देखे मुझे आप बस अभी सुनो ना, और मेरे को नहीं मालूम. थोड़े में इतना ही कि कुछ बोले क्या? आपका नाम क्या है? अर्जद बापे. तो क्या कुछ उन्होंने कहा कि कब तक? नहीं कुछ बोले नहीं उन लोग. पिताजी क्या काम करते हैं? आर्किटेक्ट. कहाँ पे? बिजनेस है कुछ. घर पे बिजनेस है. घर पे बिजनेस है. कुछ बातचीत की क्या उन्होंने एनआई के टीम से? कुछ बातचीत की क्या या बातचीत इतना देर तक क्या बातचीत की उन्होंने? बातचीत किए नहीं, कुछ चेक किया और कुछ मिला नहीं. प्लान मिले खाली आर्किटेक्ट के बस. लेकिन किस कारण आए थे पूछताछ नहीं बोले ना कुछ? पिताजी को पूछताछ कुछ किए क्या उन्होंने? बोला नहीं किए और गए, कुछ मिला नहीं. तीन घंटे में क्या कार्रवाई करे उन्होंने? क्या आए चेक किए? कुछ मिला नहीं तो बैठे थे थोड़ा. अच्छा, फिर गए. कुछ मोबाइल या कुछ उन्होंने लिए? मोबाइल लेके गए. कितने मोबाइल लेके गए? जब कितनी मोबाइल है उनके? कितने मोबाइल लेके? पिताजी की मोबाइल लेके गए या घर वालों के भी मोबाइल चेक किए गए? इसमें घर वाले के चेक नहीं किए किए लेकिन कुछ मिला नहीं उन लोगों. अबू का मोबाइल लेके गए. अबू का पूरा सब घर भर का पूरा सब? अबू का कितने फोन लेके गए? एक फोन लेके गए. क्या कारण क्या बताया उन्होंने कि बाबा हम लोग यहाँ पे आए हो? कारण बोले नहीं कुछ, कुछ झूठा कारण लेके आए तो प्रूफ मिला नहीं तो वापिस गए लोग. नोटीस दिया आपको? नोटीस मालूम नहीं. एनआयएने धाड टाकून पहाटे 4 ते 8 वाजेपर्यंत चौकशी आणि तपासणी केली. धाड टाकली त्या घरातील मुलगा अज्जद हा कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान सुमारे 4 ते 5 जण एनआयए आणि एटीए सोबत 15 ते 20 पोलीस उपस्थित होते. आता पुढे तपासात काय समोर येतं आणि एनआयए कशी कारवाई करेल हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. मात्र आता या ठाण्यातील पडलेल्या धाडीमुळे चर्चा रंगली आहे. रणजित इंगळे, लोकमत डिजिटल, ठाणे.